क्या आपको पता है कि कौन सा सप्लीमेंट कब देना है, कौन सा सप्लीमेंट किसको देना है, कौन सा सप्लीमेंट खाना खाने के बीच में देना है, कौन सा सप्लीमेंट खाना खाने के बाद में देना है, कौन सा सप्लीमेंट खाना खाने से पहले देना है? तो चलिए दोस्तों ये शुरू कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, बिकॉज वी आर वेस्टिजन, वी आर अ फैमिली, तो इतना सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अपने पास जो सप्लीमेंट है, बहुत सारा सप्लीमेंट है, लेकिन कौन सा सप्लीमेंट खाना खाने से पहले खाना है? तो आयुसेंटेक ग्लूको हेल्थ खाना खाने से पहले खाना है। दूसरा जो प्रोडक्ट है नोनी खाना खाने से पहले खाना है। तीसरा जो मेरे हिसाब से जो अच्छा रिजल्ट मिला है, वेस्लिम कैप्सूल जो है खाना खाने से पहले खाना है। ये सप्लीमेंट आप खाना खाने से पहला खा के देख लीजिए। और प्रैक्टिकल में आपको बता दूँ, जैसे हम फील्ड के खिलाड़ी है, प्रैक्टिकल जैसे हमें रिजल्ट मिला है, एलोवेरा भी अगर आप खाना खाने से पहला खाएंगे तो भी अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो अपना सप्लीमेंट इट्स फूड सप्लीमेंट, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है, तो साइड इफेक्ट तो होता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम खाना खाने के बीच में कौन सा सप्लीमेंट है उसको जान लेते हैं। क्रील ऑयल अपने पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, वो खाना खाने के बीच में खाना है। खाना खाने के बीच में जैसे आप थोड़ा सा खाना खा लेंगे, रोटी खा लेंगे, एक आधा रोटी खा लेंगे, तो उसके बाद जैसे हम चावल वगैरह खा लेते हैं या दूसरा रोटी खा लेते हैं, उसके बीच में ये आप गोली खानी है। तो क्रील ऑयल, ऐसे केस में आप क्रील ऑयल खा सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी अपने पास जो है वो भी खा सकते हैं। आई सपोर्ट जो आंखों के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है वो आप खा सकते हैं। कोकोनट ऑयल जनरली आप स्किन के लिए दे सकते हैं, इतना याद रखिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे वैसे वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर लेता है, लेकिन स्किन के लिए भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। उसके बाद आप खाना खाने के बीच में वैसे क्रैनबेरी बोला जाता है, लेकिन मुझे क्रैनबेरी का प्रैक्टिकल जो रिजल्ट मिला है खाना खाने के बाद में मिला है। तो चलिए ये दोस्तों जो है कि खाना खाने के बीच में ये सप्लीमेंट हमें खाने हैं। तो चलिए दोस्तों खाना खाने के बाद का सप्लीमेंट जो है, बाकी का सब सप्लीमेंट है खाना खाने के बाद में खा सकते हैं। तो कौन सा सप्लीमेंट हमें बच्चों के लिए चलता है दोस्तों? जैसे भी अगर देखा जाए, वैसे अगर देखा जाए तो बच्चा पैदा होने के बाद अगर आप 2 महीने 3 महीने के बाद भी अगर आप स्पिरुलिना देंगे, कोलेस्ट्रॉम दे देंगे ना, तो भी चलेगा। लेकिन लगभग 1.5-2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आप ये चीज़ें दे सकते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉम है, ठीक है। 2 साल के बाद आप इनविगो भी देना चालू कर लेंगे, वो भी बढ़िया है। वैसे 1.5 साल में ही आप दे सकते हैं इनविगो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉम, इनविगो, स्पिरुलिना भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गया, चलिए ये हो गया। अब वो 4 साल, 4 साल के ऊपर का बच्चे को आप नोनी दे सकते हैं, उसके बाद क्रील ऑयल दे सकते हैं। क्रील ऑयल अगर नहीं खा रहे, नोनी अगर नहीं खा रहा है तो नोनी का घोल बना के दे सकते हैं। क्रील ऑयल नहीं खा रहे तो गुनगुने पानी में आप प्रिक करके उसका पानी पिला सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देता है वो भी, ठीक है। उसके साथ आप इनविगो देना। इनविगो में DHA है, EPA है, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही शानदार हो जाती है। मैं इनविगो के ऊपर अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इनविगो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि आपको फील्ड में अच्छा मदद करेंगे इनविगो के यूनिक सेलिंग पॉइंट बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया, कौन से सप्लीमेंट में हमें क्या परहेज रखना है वो बात करते हैं। जैसे अपने पास शतावरी है, शतावरी वो क्या कर लेता है कि शतावरी अगर मान लीजिए किसी लेडीज को ब्रेस्ट में अगर ज़्यादा दूध बन गया तो शतावरी बंद करना है, क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन को, तो ज़्यादा दूध बनता है। तो ऐसे समय उसको थोड़ा सा गैप दे देना, शतावरी कम कर लेना, अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है ये चीज़। जैसे किसी डायबिटिक पेशेंट को अगर घुटना दर्द हो रहा है तो हम घुटने दर्द में ग्लूकोसामिन देते हैं, तो ग्लूकोसामिन ऐसे केस में क्या कर लेता है, शुगर को बढ़ा लेता है, इसलिए ग्लूकोसामिन नहीं देना है। अगर मान लीजिए दिया भी तो एलोवेरा नीम ऐड करके दे सकते हैं। ग्लूकोज अगर मान लीजिए वो पेशेंट इंसुलिन ले रहा है, हाई ग्लूकोज है, तो बिल्कुल भी ग्लूकोसामिन ना देना। दूसरी बात है एलआरजी9। एलआरजी9 अगर किसी पेशेंट का हार्ट का ऑपरेशन हो, स्टेंट बैठा हो, या बड़ा ऑपरेशन एंजियोप्लास्टी वगैरह किया हो, तो ऐसे केस में हमें एलआरजी9 बिल्कुल भी नहीं देना है। वैसे अगर हम देख लेंगे कि सीएमडी, सीएमडी जो है आप 12 साल के ऊपर के बच्चों को, लोगों को दे सकते हैं सीएमडी। प्रेगनेंसी में सीएमडी नहीं देना है। कोई भी किसी भी प्रकार का किडनी का रिलेटेड कोई इशू हो तो सीएमडी हमें नहीं देना है। ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। किडनी का रिलेटेड इशू अगर रहेगा तो नोनी भी नहीं देना है, क्योंकि नोनी इट्स रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो नोनी नहीं देना है, ये आप फॉलो करना। उसके साथ स्पिरुलिना भी नहीं देना और प्रोटीन तो बिल्कुल ही नहीं देना। तो आप अगर टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।